एक्चुअली uh, मुझे बहुत ही uh, मतलब मेरे लग्स बहुत वीक हो गए हैं तो मैं अगर सब जो ये दो बुलेट निकाल के भी बैठती बैठने की कोशिश भी करती तो लिटरली मैं एकदम बहुत ही हाइपर हो जाती हूँ और आई कांट ब्रीथ ऑल्सो प्रॉपरली मुझे कंटिन्यू स्किंग ऐसे चालू ही रहता है और uh, मतलब जैसे कि अगर मैं नॉर्मल ऑक्सीजन जो लगाते लेजल वाला वो लगाती हूँ तो भी बहुत सांस फूलती रहती है मेरी और जैसे जोर जोर से जोर से जैसे जोर जोर से सांस लेती हूँ तो ये सारे पेल्स मुझे चालू हो जाते हैं मतलब बहुत ही वीकनेस लग्स में बहुत सारा वीकनेस हो गया है मेरे hmm. तो जैसे कि मैं प्राणायाम वगैरह करने की कोशिश करती हूँ बट ये निकाल के करना पड़ता है ना प्राणायाम वगैरह भी तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आई कॉल डू एनी थिंग मतलब फिर मैं एक्चुअली तो फिर मैं थोड़ा लेती हूँ प्लस मेरा आयुर्वेदिक भी चालू है थोड़ा और एक साइड साइड बाय किसी ने बताया कि रेखी का ट्रीटमेंट कीजिए तो उससे कुछ आपको फर्क पड़ेगा तो आई डू डेट आल्सो बट इनिशियली मैं कोई भी जैसे फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रही हूँ मैं थोड़ा भी चलती हूँ तो सांस फूलने लगती है या कुछ में जाती तो भी बहुत सांस लगती है, तो करके कुछ भी एक्टिविटी में करती हूँ तो मेरी बहुत इवेल में अभी बैठी भी हूँ तो मेरी ब्रीदिंग हो रही है मेरी सांस फूल ही रही है ऐसे कंटिन्यूसली है अब मुझे आप जरा अपनी समझ से बताएं ठीक है ना हाँ आप आपको भी मालूम है इसको कैसे ठीक कर सकते हैं उस तरफ में आप देख नहीं रहे हो तो मैं आपसे उसी तरफ में आपको ले जाने की कोशिश करता हूँ आप जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि जरा सा भी जोर लगते ही सांस फूलती है हा, हा, हा। ये बात आप बोल रहे हैं पक्की बात ये अपने एक्सपीरियंस में जानते हो सर कोई भी जोर आप जब लगा रहे हैं तो आप बेसिकली आपका शरीर क्या करने की कोशिश करता है सांस को Energy. नहीं नहीं सांस को ये एनर्जी वेनर्जी सब ना हटा दो दिमाग से जरा okay, प्रैक्टिकल okay, सोचोगे okay. ना प्रैक्टिकल सोचोगे ना तो ठीक हो जाओगे अगर प्रैक्टिकल okay, okay. सोचोगे तो ऐसे ही रहेगा तो जोर लगाते कैसे हैं साफ हमको मालूम है ये मगर क्या कोई भी कुछ भी बोलता है तो उसकी बात हम मानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि okay. हम खुद नहीं देख रहे जोर हम हमेशा सांस रोक के लगाते हैं सांस रोक के लगाते हैं सांस रोक के लगाते हैं बार बार बोल रहा हूँ दोबारा से जोर लगाने से सांस फूल रहा है हाँ. जोर कैसे लगाते हैं सांस रोक के लगाते हैं तो सांस रोकने की कैपेसिटी खत्म है आपके शरीर में हाँ सर। तो सांस रोकने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा ओके. यही सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है दुनिया में आपके लंग्स मजबूत होंगे तभी आपके ऑर्गन मजबूत होंगे तभी आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा तभी इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है आप सांस रोकने की क्षमता आपकी कम हो गई है उसको बढ़ा लीजिए आप ठीक हो जाएंगे okay. तो एक ही सोल्यूशन है इस वक्त में कुंभक ही सोल्यूशन कुंभक ही सांस रोकने का अलग अलग तरीके से फॉर्मूला देते हैं ना हम आपको और भी मैं आपको बता दूं आपके शरीर में बचपन से ही ये भी प्रॉब्लम है कि शरीर में कोई चीज फैलती नहीं है मतलब सर मतलब कि आप जो अगर कुछ खा रहे हैं तो उसको शरीर में फैलना चाहिए हाँ एक्चुअली मतलब मुझे मेरी बॉडी पहले थी जैसे अगर जैसे बीस साल पहले बोले गेला तो आज भी मेरी बॉडी वैसी की वैसी ही है मतलब तो तो अगर प्रौल्ण? मुझे कोई स्कूल भी भेज सकता है मतलब मैं वैसी की वैसी ही हूँ <laughs> तो आज, हाँ। आज मेरी फोर्टी एज हो गई है सर जी हाँ, हाँ। बट मुझे कोई बोलेगा नहीं कि मैं फोर्टी एज की हूँ वो तो आपकी जो बचपन की हेल्थ है ना उसको भी वापस लेके आओ और उसको वापस लाने का तरीका ही हम आपको बता रहे हैं ये ये शरीर के अंदर ना फैलती नहीं है फैलेगी नहीं ना इसके अंदर जठर कमजोर है आपकी यानी मेटाबॉलिक हीट कमजोर है आपकी हाँ सर मेटा अगर जठर कमजोर है मेटाबॉलिक हीट कमजोर है बॉडी की तो कफ पिघलेगा कैसे इसलिए जमता है हमेशा निकलता नहीं है नेबुलाइजिंग की जरूरत पड़ती है थोड़ा जोर लगाएंगे ना कुंभक करेंगे तो निकलना शुरू हो जाएगा साफ हो जाएगा कुछ समय बाद में चीजें फैलना शुरू करेगी आपके शरीर में जो खाएंगे उसको शरीर इस्तेमाल करेगा पूरा तो बहुत सारी बातें इस पर भूली जा सकती है सोल्यूशन मैंने शुरुआत में इसलिए आपको बताया सोल्यूशन मैंने आपको बताया कि आपकी प्रॉब्लम कहां पे वो आप भी समझ सकते हैं और यहां पे जितने लोग प्रेजेंट हैं वो भी समझ सकते हैं लेकिन क्या है अगर आप दवाई से सोचते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे तो वो एक सीरियल आता था ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो ही रह जाएंगे किसी का ठीक हुआ अभी तक लंग पावरफुल हो गया दवाई खा के आज तक सौ साल में किसी का अस्थमा ठीक हुआ दवाई खा के नहीं होता ही नहीं है क्योंकि दवाई का इलाज ही नहीं है ये अब ये बात है कि भाई वो दवाई बनाने वाला चाह रहा है कि सारा धंधा मुझे ही करना है तो आपको घुमा रहा है केवल अंग्रेजी के दो चार शब्द बोल दिया आप भी उसमें फंस जाते हो दो चार वर्ड आपको बोल देंगे इंटरस्टिशियल आप भी खुश हो जाते हो कि अंग्रेजी बोल दिया उसने समझदार इंसान होगा सौ साल में तो ठीक किया नहीं किसी को अभी कैसे ठीक करेगा आपको समझना है और आप अपना जो भी कोई बोल देता है ना उसको अपने ऊपर अप्लाई करो पैदा पहले देखो क्या आपके एक्सपीरियंस में वो बात है जो बोल रहे हैं नहीं है तो सब बकवास है तो आपके एक्सपीरियंस में क्या है वही मैंने पहले बताया कि जोर लगाते ही सांस फूलती है यानी सांस रोकने की क्षमता कमजोर है उसको बढ़ा लीजिए ठीक हो जाएगा ये इतना ही आसान है लेकिन इसमें काम करना पड़ता थोड़ा सा कमिटेड होंगे छह महीने बाद देखिए सब कुछ तामझाम निकल जाएगा आपका कोई जरूरत नहीं पड़ेगी भूख अच्छी लगने लगेगी एसिड रिफ्लक्स होता है रिफ्लक्स होता है ऐसे लोगों को वो खत्म हो जाता है हेड में पेन आता है थायराइड की कंडीशन में आते हैं कुछ लोग कुछ लोगों को डिपोजिशन जमावट होती है मोटे होते हैं वो पतले नहीं हो पाते जम रही है चीजें आगे नहीं बढ़ती कॉन्स्टिपेटेड कंडीशन रहती है ये सब ठीक होगा प्रॉब्लम कहाँ पे है उसको पकड़ेंगे ना सब ठीक होगा और आप जिसके पास लाइन लगा के जाते हो ये सब गैजेट लगा के रखा है इससे कोई आप ठीक तो नहीं होने वाले ये तो व्हील चेयर जैसे ना व्हील चेयर पे बैठ के कोई दौड़ने लगता है क्या नहीं तो ये सब हटाने के लिए काम करना पड़ेगा आपकी आपका शरीर आपकी पहली जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेने वाला ना डॉक्टर ना सरकार ना डब्ल्यू एच ओ कोई नहीं लेगा इसकी जिम्मेदारी ये शरीर ही लेगा इसके षडांग प्रतिष्ठा इसलिए कह रहे हैं छे बल बढ़ाइए अपने शरीर के ये बहुत आसान है इससे निकलना मुश्किल नहीं है और जो इलाज आप कर रहे हैं वो और मुश्किल कर रहा है आपको आपका इस कंडीशन से निकलने में आपको तो स्टेरॉइड पे डाल देंगे ना स्टेरॉइड पे खाना शुरू किया लॉन्ग टर्म किया बस खत्म अब तो मृत्यु का इंतजार करो बस तो ये कोई इलाज नहीं है थोड़ा मैनेजमेंट करने की कोशिश करें जो जैसा जानता वैसा मैनेजमेंट करने की कोशिश करता है है ना लोग टेरिस भी तो मैनेजमेंट जानते हैं ना लाइफ का मैनेजमेंट गोली मार देते हैं कहते हैं, बस हो गया सब बिल्कुल अच्छी होगी लाइफ अब तो जीना ही क्यों है, मगर वो कोई इलाज है तो ये सब इलाज नहीं है आपका शरीर आपको ठीक रखता है उसमें क्या कमी आ गई वो देख लीजिए वो ठीक कर दीजिए आप सही हो जाएंगे अब्दुल रहीम जी कैन यूट योर सेल्फ ये आपको प्रॉब्लम है ब्रीदिंग से रिलेटेड राइट सो तो अनम्यूट करें और बताएं नमस्ते सर हम्म नमस्ते प्लीज टेल टेल योर प्रॉब्लम इन ब्रीफ तो मैं आंध्र प्रदेश से बात करता हूँ सर हाँ हाँ बोलिए बोलिए तो मैं आ, मैं डॉन टीचर से काम करता हूँ सर बायोलॉजिकल साइंस से टीचर से काम करता हूँ बताइए बताइए सर नमस्ते सर प्रॉब्लम बताइए प्रॉब्लम बताइए दस साल से आस्टमा ब्रांकाइटिस आस्टमा से मैं सफर हो सकता हूँ सर हाँ हाँ वो अल्लोपती मेडिसिंस यूज़ करता हूँ सर मैं दस साल से चेस्ट uh, डॉक्टर uh, कने तो वो मेडिसिंस यूज़ करता हूँ लेकिन वो थोड़ा मेडिसिंस टेंपरेटरली रिलीफ होता है सर मुझे परमानेंट क्यूर नहीं होता सर, नहीं सर। okay, तो आप आप, मुझे हाँ आप मुझे एक एक्सपीरियंस में बताइए दस साल में आपका सिचुएशन अच्छा हुआ खराब हुआ हुआ को, को बोलता हूँ हाँ, थोड़ा तो खराब एज, हाँ, एज जैसे बढ़ता जाएगा ना ये और ज्यादा खराब होगा यस सर यस सर एग्जैक्ट आपने किसी को देखा है कि एज के साथ में उसका किसी का अच्छा हुआ yes, sir, yes, sir, exactly. हाँ, No, sir. No. नहीं सो समथिंग so no. आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना तो अब ये आपके में आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूँ ठीक है ना सो यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखो आप ना okay, सांस छोड़ते छोड़ते खड़े होके ना जब भी टाइम मिलेगा यू स्टैंड अप और सांस छोड़ते छोड़ते नीचे बैठ जाओ सर देन होल्ड योर ब्रेथ वेन यू आर डाउन स्कॉट स्कॉट करना है उसके बाद स्लोली इनहेल ओके इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू सो योर उदान दिस इज कॉल्ड एज लिफ्टिंग स्ट्रेंथ उदाहरण शक्ति दैट इज वेरी वीक इट हैज ऑलवेज बीन वीक इन यू इफ यू इम्प्रूव दैट यू सी योर सिचुएशन विल बिकम बेटर 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 कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम राइट सो शक्ति इज़ व्हाट वी डू इन दिस प्रोग्राम हम आपका डायग्नोसिस करते कि क्या प्रॉब्लम आए ये सबका करेंगे अभी तो आपको केवल एक डेमो दे रहे हैं कि वी डू डायग्नोसिस ऑफ दिस काइंड आपसे हम कुछ एक्सपेरिमेंट करने बोलेंगे अपने सांस के साथ में अपने बॉडी के साथ में वो जब हमसे शेयर करेंगे आप तो हम आपके वो देखते हुए कि आपके वीक फैक्टर्स क्या है बॉडी में हम आपको कस्टमाइज कुंभक देंगे वो होल्ड का तरीका जिससे कि वो स्ट्रेंथ आ जाए शरीर के अंदर अगर वो स्ट्रेंथ सपोज मैंने आप ही आपको बोला उदान शक्ति आपका कम वो बढ़ जाएगा तो आप ठीक हो जाओगे दवाई से तो नहीं बढ़ेगा वो फूड से मेडिसिन से आयुर्वेदिक मेडिसिन से किसी से भी नहीं पड़ेगा थोड़ा मैनेजमेंट कर सकते हैं थोड़ा आपको आराम मिल जाता है जो uh, दवाई मेडिसिन यूज करते हैं तो बट इट डर यू इन एनी विच वे एंड एज द एज प्रोग्रेसिस एज जैसे ही आगे जाएगा आपकी हालत खराब होगी सो so, इलाज करना जरूरी है मैनेजमेंट कब तक करें? तो अपना इलाज करना शुरू करो और इलाज क्या होता है जो बॉडी में कमजोरी है उसको ठीक करके होता है इलाज एक ही इलाज है ये शरीर का जो वीकनेस है है जो बल है, जो बल फैक्टर्स हैं फंक्शन है वो अगर कुछ गड़बड़ है उसको ठीक कर सकते हैं तो वो ठीक कुंभक से कर सकते हैं वही इलाज होता है बाकी तो मैनेजमेंट है सब कोई भी मेडिसिन चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लो चाहे एलोपैथिक मेडिसिन ले लो आयुर्वेदिक मेडिसिन नुकसान कम करता है एलोपैथी मेडिसिन नुकसान ज्यादा करता है बट दोनों ठीक तो नहीं करेगा दोनों में से कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर कोई लेता है और साथ में कुंभक करे तो उस पर काम करेगा कुंभक एक्चुअली में ट्रीटमेंट है बाकी सब सपोर्ट है थैंक यू सो

का प्रॉब्लम है और वो क्या है कभी बढ़ता है कभी कम होता है ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता है मैं ए में कभी नहीं बैठ सकती ठंडा मेरे से सहा नहीं जाता है तो कभी कभी एकदम ठीक हो जाता है लेकिन कभी कभी आ, एकदम सीवियर हो जाता है मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है इम्यूनोथेरापी स्टीरोड नॉर्मल मेडिकेशन बट वही के जैसे आगे अब्दुल जी ने बोला टेम्पररी ठीक होता है बाकी आ, फिर से वो हो जाता है तो अभी तो मैंने ऑलमोस्ट uh, सब कुछ ऑलमोस्ट मतलब बंद कर दिया है जितना मैं लेती थी उसे एकदम ही कम कर दिया है और uh, uh, मुझे ऐसा लगता है सर रिजल्ट मुझे ये एंजाइटी और डिप्रेशन मतलब अभी मुझे अस्थमा से भी ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत परेशान कर रही है जिससे मैं डेस्परेटली निकलना चाहती हूं अच्छा आपको मैं थोड़ी सी आपके शरीर की कहानी बताता हूं ओके सर इसको अगर आप समझ जाओगे तो अपने आप को आप ठीक कर पाओगे ठीक है ना पहला पार्ट आपके शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें फ्लक्चुएट करती हैं, ऊपर नीचे होता है ये वात दोष कहते हैं आयुर्वेद में ये वात दोष कहते हैं यानी आपके शरीर के अंदर में जो प्रेशर होना चाहिए ना वो डिविएट करता है प्रेशर ब्लड प्रेशर की बात नहीं कर रहा कोई भी काम प्रेशर में ही होता तो प्रेशर से ही ना आपके शरीर में चीजें फैलती हैं हर जगह पे फैलती हैं अगर प्रेशर नहीं फ्लक्चुएट कर रहा है तो कभी तो ठीक महसूस होगा कभी गड़बड़ रहेगा और ऐसे में क्या होता है हार्मोन जो है उसका फ्लक्चुएशन होता है हार्मोन जब भी फ्लक्चुएट करेगा तो आपके इमोशन पे वो बहुत जबरदस्त असर डालेगा इसी को आप एज एन एक्सपीरियंस एंजाइटी इश्यू जैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है इसका दूसरा फैक्टर है आपके बॉडी में और क्या क्या हैं एड्रीनल फटीग है आपके बॉडी में इसका मतलब क्या होता है कि आपने अपने जीवन में अपने आप को ठीक करने के लिए बहुत अलग अलग चीजों को जैसे लिया तो शरीर का फंक्शनिंग जो है ना कोई भी मेडिसिन उसको चेंज करती है शरीर की फंक्शनिंग को चेंज करती है और कोई भी मेडिसिन बॉडी के ऊपर रिस्क होता है क्योंकि आप तो मेडिसिन खाने के लिए डिजाइन नहीं हुए थे ना केमिकल तो डालने के लिए आप शरीर में डिजाइन नहीं था आपका बॉडी मगर बचपन से आपने केमिकल डाला तो बॉडी को खतरा आता है शरीर खतरे में आ जाता है अब ऐसे मान के चलो कि सपोज करो शेर जो खाता है मांस खाता है उसको आप प्लास्टिक खिलाने लग जाओ तो पहली बार तो खाएगा नहीं लेकिन किसी और फॉर्म में उसको खिलाने लग जाओ तो उसका शरीर रिस्क में आ जाएगा ना हम भी वही काम कर रहे हैं हम जो केमिकल डाल रहे हैं उससे हमारा शरीर रिस्क में आता है रिस्क में आता है तो वो तो बचाने की कोशिश करेगा अपने को तो ऐसे में वो ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज करता है जो आपके शरीर में कुछ चीजों को एकदम से बढ़ा देता है जैसे ये ऐसा ही है इसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट मकानिज्म जब भी खतरा आएगा तो आप क्या करेंगे या तो लड़ेंगे या तो भागेंगे लड़ने के लिए आपके शरीर में कुछ हॉर्मोन्स होने चाहिए ठीक है ना लड़ने के लिए कुछ हॉर्मोन्स होने चाहिए एड्रीनलिन होना चाहिए तो वो किडनी के ऊपर छोटी छोटी थैलियां हैं वो रिलीज करती हैं अब आप बार बार खतरा डालोगे तो बार बार वो एड्रीनलिन रिलीज करेगा उससे सडनली बीट बढ़ जाएगा मगर ना तो आप लड़ेंगे ना तो भागेंगे तो एड्रेनलिन यूटिलाइज तो होगा ही नहीं आपका फिर अपने आप ही वो कम हो जाएगा फिर दोबारा से कोई खतरा आ रहा है आपने एक स्टीरोइड की गोली खा लिया ऐसा कुछ खा लिया फिर से एड्रमिन रिलीज हो जाएगा तो धीरे धीरे करके आपका बॉडी ये कहेगा कि ये इंसान कर क्या रहा है मेरे साथ में कभी कोई मेडिसिन खा लिया कभी कुछ ऐसा खा लिया किसी ने बोला कि ये चीज खा लो वो खा लो है ना कभी एनवायरमेंट ही खराब हो गया बारिश का मौसम आ गया बादल बिल्कुल छा गए बिल्कुल है ना कभी कभी मौसम के हिसाब से भी बॉडी को खतरा महसूस होता है अगर कमजोर है तो एड्रीनल फटीग हो गया इसको कहते हैं एड्रीनल फटीग बार बार शरीर बचाने की कोशिश कर रहा मगर से समझ में नहीं आ रहा कि ना बचाऊं क्या आप को धीरे धीरे करके ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता इसी को कहते हैं बार बार इम्यूनिटी आपके ऊपर उठ रही है मगर उसको समझ में नहीं आ रहा बचाए क्या है ना तो ऑटो इम्यून डिजॉर्डर इस दुनिया में बहुत बढ़ रहा है ऑटो इम्यून गया तो आपका कैटाबोलिज्म यानी सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग टिश्यू का मैन्युफैक्चरिंग जो है ना और उसका डिटॉक्स निकलना शरीर से ये दोनों गड़बड़ हो जाएगी ऐसे केस में जब भी ये लॉन्ग टर्म में रहेगा तो इसके बहुत खतरनाक इंप्लीकेशन है कैंसर तक इसी वजह से बढ़ रहा है दुनिया में कैंसर 12 परसेंट की रेट से बढ़ रहा है कोई भी क्रॉनिक डिजीज पिछले सौ साल में कम नहीं हुआ तो आपको भी तो सोचना है आपको जो समझाया जा रहा है उसमें कुछ तो गलती है इन्फेक्शियस डिजीज होता है इन्फेक्शन में बीस परसेंट ऑफ टोटल डिजीज जितनी बीमारियां होती हैं उसका बीस परसेंट इंफेक्शन होता है अस्सी परसेंट क्रॉनिक डिजीज होता है बीमारी को हम ठीक नहीं कर सकते मेडिसिन से तो वात दोष आपके शरीर में वात दोष है अब देखिए वात दोष है शरीर में चीजें फैल नहीं रही हैं वात दोष के लोगों को गर्मी चाहिए ठीक से खाना हजम होने के लिए ताकि शरीर को मिले वो जिसे हैं जठराग्नि कहते हैं, हैं मेटाबॉलिक हीट कहते हैं वो चाहिए मगर वो भी नहीं झेला जाएगा सिचुएशन ऐसी है कि आपको केवल ठंडा ही नहीं झेला जाएगा आपको गर्मी भी नहीं झेली जाएगी <laughs> ठीक है क्यों क्योंकि धीरे धीरे करके आपके शरीर वंचित हो गया ना उसे कुछ अवेलेबल ही नहीं हो रहा ठीक से तो अपने कामकाज नहीं कर पा रहा ठीक से उसको करने के लिए उसका पहला फैक्टर उसका स्ट्रेंथ वापस करना पड़ेगा प्रेशर डिविएशन वात दोष कहलाता प्रेशर डिविएशन आप प्रेशर से ही तो ठीक करोगे किसी और चीज से ठीक थोड़ी होगा वो कुंभक जो है वही प्रेशर क्रिएट करने का तरीका है ना आपके शरीर में आप प्रेशर को प्रेशर से ही ठीक कर सकते हैं किसी और चीज से नहीं ठीक कर सकते प्रेशर से ही टेम्परेचर भी बिल्डअप होता है आपके शरीर के अंदर जिसे हम पित्त कहते हैं वात से ही पित्त डेवलप होता है और वात पित्त कफ मैनेजमेंट करते हैं अगर आपके शरीर में गर्मी नहीं होगी तो कफ डिपॉजिट होगा उसको जहां जगह मिलेगी लंग्स में वो सबसे पहले एकदम से जल्दी डिपॉजिट होता है क्योंकि उसके वहां पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है तो मैन्युफैक्चर होगा यूज नहीं होगा जमेगा ठीक है ना तो आपका फ्लक्चुएशन आप समझो बैलेंस नहीं है क्योंकि बैलेंस भी प्रेशर ही क्रिएट करता है वात दोष कहते हैं इसको ये वात दोष एग्रवेटेड है एक और तरीके से बता देता हूं आपके शरीर का रिलैक्सेशन फैक्टर कमजोर है इसीलिए एंजाइटी हो रही है और प्रैक्टिकली बता देता हूं आपको आपका एक्जलेशन वीक है सांस छोड़ने की क्षमता कमजोर है अगर आप पूरी सांस भरेंगे चार गुना ज्यादा रोको उससे सपोज करो आपने पांच सेकंड का सांस भरा तो उसको बीस सेकंड रोको उसके बाद अगर दस सेकंड आप एक्सेल कर सकते हैं बिना तकलीफ के तो आपका वायु तत्व ठीक है शरीर में वरना तो वो बिगड़ेगा बिगड़ेगा रिलैक्सेशन एबिलिटी नहीं होगी ऐसे लोगों में अः क्या होता है कि एंगजाइटी तो आती ही आती है बट दिमाग में ना कोई भी चीज जो है वो रुकती नहीं है चलती रहती दिमाग ऐसे ऐसे दौड़ेगा दौड़ेगा आप कुछ रोक रोक नहीं पाओगे फिर पेन फैक्टर शरीर में बढ़ जाते हैं दर्द शरीर में कभी इधर दर्द, दर्द कभी उधर दर्द कभी कुछ दर्द कभी कुछ दर्द वो दर्द का फैक्टर बढ़ जाता है ऐसे लोगों में कॉन्स्टिपेशन होता है ऐसे लोग अगर लंबे समय तक कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे तो पार्किंसन होता है न्यूरो प्रॉब्लम होती पार्किंसन होगा जब इंसान के अंदर शक्ति ही नहीं बचेगी कोई काम करने का बैलेंस नहीं होगा तो इम्यूनिटी कमजोर होगी ऑटो तो इम्यून डिजॉर्डर की तरफ में जाएंगे जब बैलेंस नहीं रहेगा ऐसे इंसान में तो आगे जाके और अलग अलग प्रॉब्लम बढ़ेंगी ही कम नहीं होगी जब तक एज जब तक शरीर आपका झेल सकता है तब तक तो आप ठीक ठाक रहेंगे आपको लगेगा थोड़ी दवाई खा ली तो ठीक होगा लेकिन जिस समय आपके शरीर का टॉलरेंस कम होने लग गया एज के साथ में तो क्रैश इनएविटेबल है कहीं ना कहीं क्रैश आएगा उसके पहले इसको सपोर्ट कर आपको कोई नहीं बचा सकता आपके बॉडी के अलावा आपके शरीर के अलावा कोई नहीं बचा सकता इसको एम्पावर कर लो देखिए आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी प्रॉब्लम से निकल जाएंगे स्वामी जी देर आर क्वेश्चन लाइक हाउ कैन कुंभक हेल्प इन कमिंग आउट ऑफ अप एलर्जी एलर्जी का मतलब क्या होता है आप देखिए आप लोग ना बहुत समझदार लोग हैं प्रॉब्लम क्या है आप लोग पढ़े लिखे लोग और पढ़े लिखे लोग तो समझदार नहीं होते तो अपनी विजडम से सोचें जो आपकी बुद्धि से सोचे एजुकेशन से ना सोचे आपकी समझदारी सोचें, आप देखेंगे आपको मालूम ही है मुझे एक बात बताओ आप किसी चीज को नहीं झेल पा रहे हैं वही एलर्जी है ना या ना आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे किसी चीज को वही एलर्जी है ना एलर्जी तो बॉडी के लेवल पे एलर्जी को एलर्जी कहते हैं मगर आप लोग मालूम है ना आपको इंसानों से भी एलर्जी होती है कई एक ऐसे इंसान इतने इरिटेटिंग होते हैं कि आप नहीं झेल सकते हैं उनको है ना तो आप नहीं झेल पा रहे पहली बात समझो एलर्जी का मतलब आपका टॉलरेंस वीक है इसको कैसे बढ़ा सकते इसको कैसे बढ़ा सकते हैं तो एक्सपेरिमेंट करके देखो दस किलो का कोई वेट उठाओ उसको देखो कैसे टॉलरेट कर रहे हैं कैसे उठाया आप देखेंगे बिना सांस रोके तो नहीं उठा सकते आप आपको दस किलो का वेट उठाने के लिए सांस रोकना पड़ेगा पीछे देखो सांस रोकना पड़ेगा अब टॉलरेंस बढ़ाना है यानी बीस के का वेट उठाना है तो सांस रोकने की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी हा या ना इतना तो आप समझ समझ सकते हैं तो क्या आप टॉलरेंस बढ़ा रहे हैं अपने बॉडी का क्या कुंभ कर रहे हो तो एलर्जी से तो नहीं निकलेंगे बिना कुंभक के पहली पहला पार्ट दूसरा पार्ट हिस्टमिन इनटॉलरेंस एलर्जी का मतलब क्या होता है टेक्निकली भी बोल देता हूं क्योंकि सबको अंग्रेजी सुनने का शौक होता है वो थोड़ा सा अंग्रेजी सुनते हैं फिर लगता है कि हाँ कुछ ज्ञान चर्चा चल रही है आज तक तो कोई एलर्जी से ठीक नहीं हुआ हिस्टामिन इंटॉलरेंस बोल के मगर वो भी आपको समझा देता हूँ आपके शरीर में हिस्टामिन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है बायो कॉम्प्लेक्स है जो रिलीज होता है किसी चीज को झेलने के लिए फूड प्रोडक्ट को झेलने के या कोई बाहर से ऐसी चीज आ गई आपके शरीर में जो आपके लिए अच्छा नहीं है तो आपके शरीर में हिस्टमिन निकलेगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा अब आप खा रहे हो दवाई एक छोटा सा बच्चा दो ढाई किलो का बच्चा होता है ना पैदा होता है जब कितने वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के नाम पे कितना केमिकल डालते हैं उसके अंदर केमिकल बॉम्बिंग वहीं से शुरू होती है ना अब यू आर नॉट डिजाइंड फॉर केमिकल तो आपने खाया पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम चाहिए कितना पांच मिलीग्राम 495 एक्सेसिव डाला गया उसके अंदर क्यों क्योंकि बॉडी इसको निकालेगा न्यूट्रलाइज करेगा खत्म करेगा खतरा समझता है पैरासिटामोल को तो उसको ओवरलोड करते हैं पांच मिलीग्राम चार सौ फोर नाइनटी फाइव आपका बॉडी न्यूट्रलाइज कैसे करेगा उसमें हिस्टामिन रिलीज एक फैक्टर है अब ये बार बार आप खा रहे हो सुबह एक गोली दोपहर में एक दो गोली शाम को पांच गोली आपको मालूम है ना कितने लोग यहां पे होंगे दे स्टार्टेड विथ वन टू पिल एक दो गोली से शुरुआत किया था आज कितने पे पहुंच गए ठीक तो हुए नहीं आप तो इतनी गोलियां जब आप खाते हैं तो हर बार हिस्टामिन रिलीज होता बार बार हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए शरीर इसके लिए डिजाइन नहीं हुआ अब आ, हमने क्या किया भोजन को भी बदल दिया फूड भी बदल दिया हमने हाइब्रिड इनऑर्गेनिक प्रोसेस जेनेटिकली मॉडिफाइड वही खतरा है हमारे लिए वातावरण को बदल दिया सांस ले रहे हैं तो शरीर को खतरा महसूस हो रहा है भैया इसके लिए तो मैं डिजाइन नहीं था सौ साल पहले जो एनवायरमेंट था क्या आज वही एनवायरमेंट है तो यू वर नॉट डिजाइन फॉर दिस एनवायरमेंट तो हिस्टामिन रिलीज हो रहा है बचाने के लिए आपको सांस ले रहे हैं तो बार बार हिस्टामिन रिलीज हो रहा है तो आपका शरीर भी कहेगा ये तो कभी कभी होगा तो मैं टॉलरेट करूंगा ये बार बार हो रहा है ये तो कुछ गड़बड़ी है ये इंसान या तो दूसरे प्लान में आ गया है ना ये एलियन बन गया है समझ नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है तो बॉडी इसको रिपेल करना शुरू करेगी ना भाई एक दो थप्पड़ तो आप भी खा लोगे मगर ज्यादा थप्पड़ आपको मारा जाएगा तो आप क्या बोलोगे बोलोगे नहीं नहीं भाई अब नहीं बहुत हो गया सो दिस इज एलर्जी आपको यही हो गया बहुत हो गया मगर आपको नहीं समझ में आ रहा आपकी बॉडी यही कह रही है बहुत हो गया भाई मगर आपको नहीं समझ में आ रहा सो दैट इज वाई से बिगेस्ट क्रिमिनल एक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग इज केमिकल मेडिसिन ड ना बचपन से उनको निमोनिया ब्रोंकाइटिस हुआ तो लंग्स में पैचेस हो गए थे ना अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर उनका एक डॉक्टर है वो कहता है की ये पैचेस तो जाएंगे नहीं ये तो लाइफ लॉन्ग रहते हैं ना आफ्टर डूइंग टू इयर्स ऑफ कुम्बर्क शी वेंट टू दैट डॉक्टर अगेन क्योंकि वो गांव का डॉक्टर मतलब उनके अपने नेटिव प्लेस का डॉक्टर गांव का नहीं शहर का ही है नेटिव प्लेस का डॉक्टर है तो गए तो फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा चेक कर लें आपका लंग तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे प्रॉब्लम तो है नहीं तो चेक क्यों करना डॉक्टर कहते ऐसे ही चेक को पैचेस थे ना आपके तो देखें कि वो कहीं बढ़े तो नहीं हिज अमेजमेंट, पैचेस वर गॉन उन्होंने पूछा ये कैसे चले गए ये तो हो ही नहीं सकता इम्पॉसिबल सो अकॉर्डिंग टू द करेंट डिस्पेंसेशन मेडिकल साइंस कहते हैं देखो इस मेडिकल साइंस में साइंस जैसा कुछ भी नहीं है साइंस जो है ना इट इज अ मार्केटिंग गिमिक इट इज अ मार्केटिंग गिमिक अगर डबल ब्लाइंड स्टडी को आप एक भी डबल ब्लाइंड स्टडी को रिप्लीकेट नहीं कर सकते हो, कैसा साइंस आप कर रहे हो अगर सौ साल में एक डायबिटीज ठीक नहीं किया एक अस्थमा ठीक नहीं किया एक ऑटोइम्यून डिजॉर्डर का ठीक नहीं किया वॉट काइंड ऑफ साइंस तो ये आपको बेचने के लिए है साइंस के नाम पे आजकल बिक रही है चीजें तो आप बेच लो सो so, उनके हिसाब से तो पैचेस जाते नहीं मगर आपके शरीर की माने तो योर बॉडी कैन रिकवर यू आउट ऑफ एनी डिफिकल्टी प्रोवाइडेड यू अलाउ दिस बॉडी मगर आप अलाउ नहीं करते ना इस शरीर को कि वो अपने आप को ठीक करे क्योंकि फीवर अगर आता है आपको तो चार डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा बॉडी का तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम मर जाएगा बैक्टीरिया वायरस मर जाएगा आप बढ़ने नहीं देते ना क्योंकि आपको तो पैरासिटामोल खाना है है ना कोई भी वायरल इन्फेक्शन आपका शरीर तीन से पांच दिन में ठीक कर देता है दवाई खाएंगे तो दस से पंद्रह दिन में ठीक हो जाएगा मगर आपको दवाई पे को तो क्रेडिट देना ही है ना क्योंकि दैट यू हैव बीन टॉट लाइक दैट कि दवाई से ही तो ठीक होता है कोई इंसान का शरीर तो तो क्रिमिनल है तीन से पांच दिन में ठीक हो जाओगे वायरल इंफेक्शन से मगर वो नहीं चाहिए दस से पंद्रह दिन में ठीक होना चाहिए तो so क्रेडिट देना पड़ेगा किसी को किसी फार्मा कंपनी को आपको पैसा देना है मैं कह रहा हूं डोनेट कर दो ना एट द कॉस्ट ऑफ योर बॉडी वाई यू आर डूइंग सच थिंग्स बट अभी तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी तो वीक कर दिया अभी झेल नहीं सकते तो झेलने की क्षमता बढ़ाएं कुंभक करना शुरू करो गारंटीड यू विल कम आउट ऑफ योर मेडिकेशन समे देखो किसी को जल्दी किसी को टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा दैट इज द ओनली थिंग बट योर बॉडी कैन थ्योर यू आउट ऑफ एनी डिफिकल्टी एंड एनी डिजीज उसको एम्पावर करो उसको रोको मत है ना उल्टी आती है उल्टी बंद कर देते हो आप दस्त आता है दस्त बंद कर देते हो क्या सारा बैंक आपने पेट में जमा कर रखा था दस्त भी नहीं होने देते दर्द आते है दर्द दर काट देते हैं डोंट डू दैट सच क्रिमिनल एक्टिविटी ऑन योर बॉडी बॉडी विल सर्वाइव टू सर्टन एक्सटेंट ओनली एक लिमिट तक ही जा पाएगा उसके बाद क्रैश हो जाएगा अनदर क्वेश्चन ऑन फ्रॉम माइटोनिया डिस्ट्रॉफी रिलेटेड प्रॉब्लम प्रोग्रेसिव हाँ देखो एक और चीज कहते हैं प्रोग्रेसिव क्यों प्रोग्रेसिव कहते हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं पहली बात तो उनको मालूम नहीं प्रॉब्लम क्यों हो रहा है दूसरी बात उनको मालूम नहीं कि ये ट्रीटमेंट मतलब इसका इलाज क्या है मुझे एक बात बताइए आपके एलोपैथी में किसी भी बीमारी का कारण मालूम है क्या अपार्ट फ्रॉम इन्फेक्शन और किसी भी बीमारी का इलाज भी नहीं मालूम उनको मगर सारी दुनिया उनके पास लाइन लगा के जाती है आप विडंबना देखो जिनको बीमारी का कारण नहीं मालूम जिनको बीमारी का इलाज नहीं मालूम सारी दुनिया का हेल्थ का ठेका उन्होंने लिया हुआ है और डेटा आप देख लो प्रूफ देख लीजिए सारी दुनिया की हेल्थ खराब हो गई है क्वैक्स के पास जाएंगे तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते और वो आयुर्वेद वालों को क्वैक्स बोलते हैं जिनको आयुर्वेद में कम से कम वो तो ये बंदा बता देता है कि ये कफ दोष है पित्त दोष है कुछ तो एग्जैक्टली exactly बताता है वो इंसान एक वैद्य तो कुछ तो बताता है डॉक्टर को तो कुछ मालूम ही नहीं एलोपैथी में तो क्वैक कौन हुआ अब आप क्वैक्स के पास जाते हैं इलाज कराने तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी खराब होगी प्रूफ है सौ साल में प्रूफ है प्रूफ देख लो दुनिया की हेल्थ खराब हो रही दुनिया की हेल्थ खराब हो रही तो आपने इन्वेस्ट किसमें किया डिजीज में तो डिजीज बढ़ गया जिसमें इन्वेस्ट करोगे बढ़ेगा ना वो हाँ या ना सिंपल रूल है मनी का रूल है लक्ष्मी का रूल है ये जिसमें इन्वेस्ट करोगे बढ़ेगा आपने डिजीज में इन्वेस्ट किया डिजीज बढ़ गई हेल्थ में इन्वेस्ट करना शुरू करो हेल्थ बढ़ जाएगा ठीक है ना यस अभी इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर ड्रग एडिक्ट बना दिया तो एकदम से ड्रग हटा दो नहीं आप अगर ड्रग एडिक्ट हो तो धीरे धीरे करके छोड़ना पड़ेगा पहले अपने आप को एम्पावर करना पड़ेगा पहले अपने शरीर को ठीक करना पड़ेगा फिर धीरे धीरे करके मेडिसिन से आप निकल सकते किसी अगर एडिक्ट को आप झटके से हटा दें तो उसका शरीर झेल नहीं पाएगा क्योंकि उसके शरीर में स्ट्रेंथ नहीं है तो पहले अपने आप को एम्पावर करेंगे इस शरीर को एम्पावर करेंगे